शुभमन गिल और ऋषभ पंत की शतकीय प्रहार से बांग्लादेश पहला टेस्ट अब हार के कगार पर। हाँ, भारत को मात्र 6 विकेटों की दरकार है पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश से जीतने के लिए, और अगर बांग्लादेश से मैच जीतना चाहती है तो उनको अभी भी 357 रनों की जरूरत पड़ेगी, जो काफी पहाड़ जैसा स्कोर है। तीसरे दिन आज खत्म हो गया, स्टंप हो गया खेल, और 45 मिनट पहले बैट लाइट के कारण खेल को बंद कर देना पड़ा। बादल छाने के कारण ग्राउंड पर लाइट नहीं थी, तो आर्टिफिशियल लाइट जलाने के बाद भी मैच नहीं हो सका और 4:15 में ही आज बंद कर दिया गया। मुकाबला खत्म होने तक बांग्लादेश का स्कोर 158 रन पर 4 विकेट हो चुका है, और अभी भी उनको 357 रन जीत के लिए चाहिए, क्योंकि भारत 515 रनों का टारगेट बांग्लादेश के सामने रखी थी। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ जैसा स्कोर है, लेकिन बांग्लादेश कुछ अलग माइंडसेट के साथ दूसरी इनिंग में उतरी थी कि पॉजिटिव खेलना है, और पॉजिटिव खेल भी रही है। उनका नेट रन रेट दूसरी इनिंग में 4.5 के आसपास है, भले 4 विकेट गिर गए हैं वो अलग मैटर है, लेकिन रन रेट में कमी नहीं है बांग्लादेश का। वो उनका सोच कुछ और है कि खेलकर ही इस मैच के आसपास भी पहुंचा जा सकता है। तो नजमुल हसन सांतो जो कप्तान है बांग्लादेश के, वो अभी भी 50+ स्कोर बना करके क्रीज पर डटे हुए हैं। उनके साथ 5 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं साकिब अल हसन साहब, जाकिर हसन, सदमन इस्लाम और मोमिनुल हक, और मुस्फिकुर रहीम का विकेट ऑलरेडी गिर जा चुका है। रविचंद्रन अश्विन को पहले इनिंग में भले ही विकेट नहीं मिले थे, लेकिन दूसरी इनिंग के तो स्टार गेंदबाज है। जैसे ही थोड़ा बहुत स्पिन देखने को मिलता है रविचंद्रन अश्विन, खास करके लेफ्ट हैंडर के लिए काल साबित होते हैं, और आज उनको 3 विकेट मिले हैं। 4 विकेट में 1 विकेट बुमराह पहला विकेट चटकाया, और शानदार कैच देखने को मिला। जो भी विकेट आज गिरे हैं, 1 बोल्ड हुए हैं, बाकी 3 विकेट गिरे हैं, तीनों पर जबरदस्त कैच पकड़ा गया है भारतीय फील्डरों द्वारा। पहला कैच बुमराह की गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने पकड़ा, अश्विन की गेंद पर शुभमन गिल ने पकड़ा, और तीसरा कैच अश्विन की ही गेंद पर केएल राहुल ने पकड़ा है। आगे डिप करती हुई बॉल को ड्राइव लगा करके कैच पकड़ना कभी भी आसान नहीं होता है, लेकिन शानदार फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए भारत ने 158 रन पर 4 विकेट बांग्लादेश के गिरा दिए हैं, और उनको अभी भी जीत के लिए 357 रनों की दरकार है, जो नामुमकिन सा दिख रहा है क्योंकि 4 विकेट उनके चले गए। कल के स्कोर 81 रन पर 3 विकेट से भारत आज जब खेलना शुरू किया सुबह मॉर्निंग सेशन में, तो पहला सेशन में कोई भी विकेट नहीं गिरते हुए ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने बॉलर की क्लास लगाते हुए शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों ने शतक जड़ा। हाँ, लंच तक दोनों का स्कोर 82 रन और 86 रन था, लेकिन जैसे ही लंच के बाद आते हैं ऋषभ पंत चार्ज करना शुरू करते हैं, और ऋषभ पंत 109 रन बना करके आउट होते हैं। ऋषभ पंत का यह शतक उनको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा उनके करियर में, क्योंकि इनका एक दूसरा इनिंग था, क्रिकेट में ही नहीं उनके जिंदगी में भी ऋषभ पंत का यह दूसरा इनिंग था, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद जनरली इंसान बेड रेस्ट पर हो जाते हैं, वो अपने करियर के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन ऋषभ पंत एक ऐसा बंदा है जो 1.5 साल के अंदर में फिर से ग्राउंड पर आए और पहले ही मैच में अपना शतक जड़ करके सिलेक्टर को और दर्शक को दिखा दिया कि बाबू हम गए थे कुछ दिनों के लिए, वो अलग मैटर है, लेकिन मैं फिर से वापस आ गया हूँ। मतलब ऐसा कमबैक आप शायद ही किसी भी खिलाड़ी के साथ देखे होइएगा जो इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बाद भी पहला मैच ही खेलने आता है रेड बॉल क्रिकेट में और शानदार शतक जड़ देता है। पहली इनिंग में भी 39 रन बनाए थे जब भारत का स्कोर 34 रन पर 3 विकेट गिर गया था, उस समय भी भारत को निकालने का काम किया था, और दूसरी इनिंग में भी 67 रन पर 3 विकेट जब भारत के गिर गए थे उस समय भी शतक जड़ने का काम किया है ऋषभ पंत ने, और शुभमन गिल को शतक 119 रन नॉट आउट बनाया है, और शुभमन गिल के लिए भी ये शतक बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि शुभमन गिल से भी बड़ी पारी की उम्मीद बहुत दिनों से की जा रही थी। शुभमन गिल का एक स्टैट अगर आप लोग देखे होइएगा गौर से, तो पता चलेगा कि जो दूसरा इनिंग शुभमन गिल टेस्ट में खेल रहे हैं ना, वो काफी ज्यादा उसमें रन बना रहे हैं। दूसरा इनिंग में उनका लगभग 71 का एवरेज है और पहला इनिंग में लगभग 33 का एवरेज है, तो दूसरा इनिंग में लगभग वो 4 मैचों से लगातार 50+ स्कोर बना रहे हैं, और ऐसा करने वाले वो तीसरे भारतीय हैं, क्योंकि पहले भारतीय हैं बीबीएस लक्ष्मण जो 8 मैचों में दूसरे इनिंग में लगातार 50+ स्कोर बनाया है, 5 मैचों में लगातार दूसरे इनिंग में सुनील गावस्कर ने 50+ स्कोर बनाया है, और 4 मैचों में लगातार शुभमन गिल ने भी 50+ स्कोर बनाया है। अपने करियर का उन्होंने 5वां शतक जड़ा है, और ऋषभ पंत ने अपने करियर का 6ठा शतक जड़ा है, और महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर ली है जो भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज टेस्ट में 6 शतक जड़ने वाले, पहले बल्लेबाज 6 शतक जड़ने वाले महेंद्र सिंह धोनी थे, अब ऋषभ पंत हो गए हैं, और चेन्नई के ही ग्राउंड पर जो महेंद्र सिंह धोनी के दिल के बहुत करीब है वहीं पर उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर लिया, और मात्र अभी 58 इनिंग खेले हैं। महेंद्र सिंह धोनी 144 इनिंग में 6 शतक जड़े थे और ऋषभ पंत मात्र
58 इनिंग में 6 शतक जड़ चुके हैं, और इसमें भी इनका 5 शतक जो आया है वो सेना कंट्री में आया है। सेना कंट्री का मतलब हुआ साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में आया है 5 शतक, और भारत में इनका आज पहला शतक आया है जो बांग्लादेश के खिलाफ आया, और दूसरी इनिंग के प्रथम मैच में ही, मतलब उनके कैरियर का दूसरा इनिंग आज शुरू हुआ है। इससे पहले व्हाइट बॉल क्रिकेट खेले थे, आईपीएल खेले थे, टी20 वर्ल्ड कप खेले थे, टी20 वर्ल्ड कप जीते थे, और फिर आज टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण हुआ, तो समझिए उनका डेब्यू हुआ है दूसरे इनिंग का, और वहां शतक जड़ दिए हैं। ऋषभ पंत अपने मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे, बांग्लादेश के बॉलर फील्डिंग लगा रहे थे, वो कह रहे हैं अरे भाई एक यहाँ भी जगह खाली है, यहाँ भी एक फील्डर भेजो, और वास्तव में बॉलर वहाँ भी एक फील्डर भेजा है। तो वो अपने मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते हैं, कीपिंग भी करते हैं, तो अपना कुछ ना कुछ स्टंप माइक में उनका आवाज कैद होते रहता है। रोहित शर्मा और ऋषभ पंत दोनों नोटिस बॉय है भारत के। तो भारत के अश्विन अन्ना पहले शतक जड़े और अब दूसरी इनिंग में 3 विकेट लेकर के टॉप मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस के दावेदार हो गए हैं, क्योंकि अब शतक तो ऋषभ पंत भी जड़े हैं, शतक शुभमन गिल भी जड़े हैं, लेकिन शतक अश्विन भी जड़े हैं। कब अश्विन जड़े हैं? जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी शतक का, उस समय 144 रन पर 6 विकेट गिर गए थे भारत के, और उस समय अश्विन ने शतक जड़ा, 86 रन जडेजा ने भी बनाया है। पहली इनिंग में जडेजा को 2 विकेट मिले, दूसरी इनिंग में अभी तक जडेजा को विकेट नहीं मिले हैं, लेकिन अश्विन को 3 विकेट मिले हैं, और अश्विन अभी 5 विकेट लेने का शानदार मौका है। एक ही मैच में शतक और 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे, ऐसे एक कारनामा पहले कर चुके हैं चेन्नई के ही ग्राउंड पर, लेकिन शायद दूसरी बार भी ये कर सकते हैं रविचंद्रन अश्विन चेन्नई के ही ग्राउंड पर, क्योंकि चेन्नई का जो ग्राउंड है रविचंद्रन अश्विन के रग रग से वाकिफ है, हर एक कोना के बारे में, हर एक पिच के बारे में उनको जानकारी है कि कैसा पिच है, कैसा बिहेव करता है। और अब तो खैर थोड़ी थोड़ी सी टर्न भी होने लगी है, और जहां थोड़ी बहुत टर्न होगी रविचंद्रन अश्विन का कमाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। भारत 287 रन बना करके 4 विकेट पर पारी घोषित करती है दूसरा इनिंग में, और कुल 227 रन पहली इनिंग का बढ़त था, और दूसरे 287 रन दूसरी इनिंग में बनाकर कुल 514 रनों का बढ़त का होने के बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था पारी को, और बांग्लादेश को बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया था। हालांकि उनकी शुरुआत काफी अच्छी रहती है, जाकिर हसन और सदमन इस्लाम ने पॉजिटिव खेलते हुए 62 रनों तक पहली विकेट की पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन फिर चायकाल के बाद बुमराह के हाथों में गेंद जाती है, और बुमराह तो भाई किसी भी ग्राउंड पर विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं। शानदार गेंदबाजी करते हुए पहला विकेट यशस्वी जायसवाल के हाथों में कैच थमा देते हैं जाकिर हसन साहब, उसके बाद फिरकी का जादू चलता है रविचंद्रन अश्विन का, और अभी तक 4 विकेट गिर गए हैं और 158 रनों का स्कोर है, और देखना है कल पहला सेशन में मैच खत्म हो जाता है या दूसरे सेशन में जाता है। आप लोग कमेंट कीजिए कि भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है पहले टेस्ट मैच में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।